सभी जानते ही होंगे कि आज हम किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी को पता होगा कि बेटियों के तहत इस तरह गलत बिहेवियर किया जाता है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ब्रिजभूषण है उन्होंने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बैठी जिसमें रसधार नहीं, हरिदय वह हरिदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें सब देश का प्यार नहीं, हरिदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें सब देश का प्यार नहीं। हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होकर इकट्ठे रहना है और जात पात छुआछूत धर्म आदि का भेदभाव न करते हुए इन बेटियों का साथ देना है, उन पहलवान बेटियों का साथ देना है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने मेडल जीत के लाए हैं, जो हमारे देश के लिए जितने मेडल जीत के लाती है, जो मेडल देश के जो बेटी मेडल जीत के लावे थी, देश खातिर जो मेडल जीत के लावे थी, आज उन पे अत्याचार हो रहा है, आज उन पे अत्याचार हो रहा है। आज मेरे देश की पांच बेटी सुरक्षित को नहीं रहे। मेरे भाई, मन दुख तो इस बात का हो रहा है, मन दुख तो इस बात का हो रहा है, आज मेरे देश की पहलवान बेटी जंतर मंतर पर बैठ कर हुआ है, आज मेरे देश की पहलवान बेटी जंतर मंतर पर बैठ कर हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एक जो माला है वो छोटे कुछ बड़े आदि तरह के मनकों से बनाई जाती है, कुछ काले कुछ सफेद, लेकिन जो माला बनती है वो बहुत अट्रैक्टिव बनती है, उससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी एकता के भाव में रहना है और हमें किसी भी चीज का भेदभाव न करते हुए आगे बढ़ना है और इन बेटियों का साथ देना है। और हमें अगर जो सच्चे देशभक्त होते हैं उनको हर समस्या में देश के साथ रहना चाहिए, इसलिए देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और हमें अपने तिरंगे झंडे को साथ लेकर चलना चाहिए और हमें इस तिरंगे की सम्मान देना चाहिए, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे देश की शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे देश की शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। वैसे तो कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है अगर किसी के विरुद्ध हम FIR दर्ज करते हैं तो अगर वो अपराधी ठहराया जाता है तो उसको दंड अनुसार उसको दंड दिया जाता है, लेकिन जो महिला शक्ति उन्होंने ब्रिजभूषण की विरुद्ध FIR दर्ज की लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या अब हमारा लोकतंत्र देश तानाशाही सरकार में बदल गया है? क्या अब हमारी लोकतंत्र सरकार तानाशाही सरकार में बदल गई है? अब उनको दंड क्यों नहीं दिया जा रहा? अब ये अंधी गूंगी बहरी सरकार कहाँ गायब है? अब इनको दंड देना चाहिए। इसलिए मैं अपने भाषण का अंत करते हुए अब नारे लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।